बली इजलास के छोटे छोटे क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन नाजरीन इकराम, आखिर असेंबली में ऐसा क्या हुआ जिससे रेवंत रेड्डी और AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी के बीच नोकझोंक हो गई। हम डरेंगे, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। ओल्ड सिटी में जितने भी 7 MLA जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला MIM को। इस वीडियो क्लिप्स को बतलाने से पहले हम आपसे ये इल्तिमास करते हैं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए देखते हैं असेंबली सेशन की मुकम्मल वीडियो। फार्मर्स एडिशनल होना है पुराने शहर में, पावर कट्स नहीं होंगे रियासत में, लेकिन पुराने शहर में बहुत मर्तबा पावर कट्स होते हैं और पावर कट्स की वजह यही है कि ट्रांसफार्मर्स पर लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर्स की जो कैपेसिटी है 100 की है तो उसको बढ़ाना है। अकबरुद्दीन अवैसी जब अपनी तकरीर कर रहे थे, इन्होंने किसी को भी नहीं छेड़ा भाई, इनको जो है सो इंटरप्ट करके बोलते कि 10 साल से BRS की हुकूमत थी तब कहीं को नहीं बोले, बोल के इस तरह का एक कांग्रेस के MLA ठहर के बोल देते कि आप उसको भी मंजूरी देंगे। बोलिए, प्लीज टेक द माइक, प्लीज गो अहेड। अकबरुद्दीन सर, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स ही इज द सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर हियर, बट ही इज टेलिंग दैट सो मेनी 500 पोल्स ही रिक्वायर्ड, ही नेवर बॉदर्ड टू आस्क द गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट व्हाई ही हैज डन, ही इज गिविंग द लेक्चर सो मेनी टाइम्स एज इफ ही इज द मास्टर वॉइस, देन व्हाई ही हैज नॉट आस्क्ड ऑल दोस, यस 10 ईयर्स वॉज गिवन द टाइम फॉर देम, He has not demanded anything for the old city. Interrupt करते हुए जो लहजा इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद में अकबरुद्दीन अवैसी ने भी इनको रिप्लाई दिया। बच्चे बड़ों की बातों में मदाखलत नहीं करना चाहिए। अभी कितना भी बोलो बच्चे हैं, अभी बहुत सीखना है, सीखिएगा, असेंबली के रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिएगा। हम बार बार मुतालबा करते गए, पुराने शहर के साथ कोई नाइंसाफी नहीं करेंगे, बोले आप कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन आपके लेजिस्लेचर्स के साथ ऐसा दिखता है कि आप इंतकामी कार्रवाई करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको क्या बड़ा नुकसान होगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अरे हम 7 सीट पर हैं, लेकिन आपको 7 भी बर्दाश्त नहीं, हम अकेले यहां खड़े होते हैं ये भी बर्दाश्त नहीं। आपका ये इंटॉलरेंस जो है ना, ये बता रहा है, ये पैगाम दे रहा है कि मुसलमानों से आपको गुस्सा है। क्या मैं मुसलमान हूं तो क्या यहां खड़े होकर अपने मसाइल को पेश नहीं कर सकता हूं? क्या यह मेरा हक नहीं है? आई रिक्वेस्ट माय लर्न, अगर हम काम नहीं कराते होते तो बार बार जीत कर नहीं आते। 6 मरतबा जीत कर आया हूं और लोग यहां से यहां जाते हैं, वहां से वहां आते हैं, लेकिन हम जाए वहीं खड़े हुए हैं, मंसूबे बनाए, साजिश बनाए, हम बुरे दिखे, मुसलमानों की एक आवाज को दबाने की कोशिश करी वो कांग्रेस ने, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों ने अपने एतमाद का इजहार हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे किया और हम कामयाब होकर आए हैं, कामयाब होकर आते रहेंगे। एक नया मेंबर, इतना सीनियर मेंबर नया बनाए सो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, तो वो ये मांगा कि 10 साल पिछले सर, प्लीज 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 गिव मी, नो 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 मिस्टर मिस्टर प्लीज मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी, नो 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 डेफिनेटली यू विल गेट माइक, यू कैन, नो 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 डेफिनेटली यू विल गेट माइक, you can put your argument, I'm not going to, no sir, speaker sir, akbar sahab ne 6 baar chunav ladke 6 baar chunke aaye, isiliye hamare sarkar majority milte hi akbaruddin owaisi ji ko hum pro tem speaker banaye, hum jitna unko wo party ko माइनॉरिटी से को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, दिस इज नॉट एनी आउट ऑफ टर्न कोटा, वी हैव रेस्पेक्टेड योर सीनियरिटी एंड योर एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। एट द सेम टाइम ही हैज टू रेस्पेक्ट कलीग मेंबर, ही इज ऑल्सो, नो नो, सीनियरिटी डजंट गेट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, सीनियरिटी और जूनियरिटी और फर्स्ट टाइम और 10th टाइम मेंबर
हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सबर करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे, क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहाँ पर हम लोग सब दोस्त हैं, आप जो बात हमारे सामने रखे हम जरूर ओपन माइंड से, हम ओल्ड सिटी या न्यू सिटी को अलग अलग नहीं देखते, वो शहर हमारे है, 450 साल की शहर है, वो शहर का शान बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ओल्ड सिटी में जितना भी डेवलपमेंट के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है, ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले सो वाला नहीं है, ये आम जनता हिंदूज पे उनको वोट डाले। जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए क्या? ओल्ड सिटी में जितने भी 7 MLA जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को, ये बात कहना चाहता है? ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है। सब लोग आपको वोट देके आपको चुना के इधर भी जाए, आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे, भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे? ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए, 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो। नहीं 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 सर, आपको जब माइक स्पीकर सर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जब माइक मिलेगा ना, तब उनके बात वो रख सकता है लीडर, आप तो अभी तो वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते सर। सर सर वही सच है तो सर, सर अगर 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 वही सच रहा तो हम लोग जो भी इनसे एक मुसलमान हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी अजहरुद्दीन ओवैसी को हम टिकट दिए, अजहरुद्दीन को हम टिकट दिए तो अजहरुद्दीन को हराने के लिए दूसरा मुसलमान को वहाँ चुनाव लड़वा के एक मुसलमान को हरा दिए। दूसरी बात, कामा रेड्डी से हम लोग शब्बीर अली जी को जिताने के लिए, एक माइनॉरिटी को जिताने के लिए हम कोशिश किए तो शब्बीर अली को हराने के लिए उनके जाने माने दोस्त कलवकुंट्ला चंद्रशेखर राव वहां कामा रेड्डी से चुनाव लड़ा। साहब मोहतरम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब ने जिस जबान में बात की है, जिस अंदाज में बात की है, सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। सर एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस वेर एवर दे वॉन्ट। ही सेज के MIM डिंट अलाउ शब्बीर अली टू विन, डिड MIM कॉन्टेस्ट इन निजामाबाद? सर एंड सेकेंड थिंग अबाउट जुबली हिल्स, कि आप जो है सो हमारे मुसलमान को जीतने नहीं दिए, व्हाट एन इमेच्योर टॉक सर, व्हाट इज दिस? क्या मैं ये बोलूंगा? देखिए साहब, सवाल वो नहीं है कि आपको लड़ने का इख्तियार है, हमको लड़ने का इख्तियार है। अब हम जहां से लड़े आप बोलेंगे कि नहीं आप वहां से नहीं लड़ना। सर आई एम नॉट अ माइनॉरिटी सेल ऑफ एनी पार्टी, आई एम अ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, सो माई पार्टी हैज द राइट टू टेक माई ओन डिसीजन एज योर पार्टी हैज द राइट टू टेक योर डिसीजन। हमें ले आने के लिए हम कोशिश किए, मगर वहां पर दूसरे MIM माइनॉरिटी कैंडिडेट को चुनाव लड़वा के अजहरुद्दीन साहब को हरा दिए। मैं इतने कहा, मैं कुछ इल्जाम नहीं रखा, मैं कुछ मदद नहीं मांगा, जो फैक्ट्स एंड फिगर से मैं इस सभा और नेता के सामने, क्योंकि अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब अध्यक्ष ने फाइनल फैसला करते, तो इसीलिए मेरा दोस्त से मेरा गुजारिश है, जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इस हाउस में लाने के लिए, तब आप ये अजहरुद्दीन को हरा दिए, इनके दोस्त चंद्रशेखर राव ने शब्बीर अली साहब को कामा रेड्डी में हराने के लिए, अगर के चंद्रशेखर राव को दूसरे सीट से लड़ना है तो सिद्धिपेट है बगल में। सर नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ही सच अ सीनियर पर्सन
एंड ऑलमाइटी हैज ब्लेस्ड हिम विद सच अ बिग चेयर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ पॉलिटिकल कैरियर स्टार्टेड फ्रॉम ABVP देन TRS देन BJP एंड देन कांग्रेस देन ऑल्सो RSS आई मीन ही शुड बी मोर मैच्योर्ड बिकॉज ही इज गॉन एवरीवेयर हियर एंड देयर एंड ही इज गॉट एक्सपीरियंस ऑफ बींग एवरीवेयर and he talks like this. It is so sad, sir. Sir, it is no, sir. Let me complete, sir. This is sir. This sir, is, it is. Sir, sir, I request. Sir, CM garu. MIM party के बारे में अगर बोलना शुरू किए तो आगे आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएंगे. आप लोग नादेनला भास्कराव से दोस्ती किए. आप लोग NTR से दोस्ती किए. आप लोग चंद्रबाबू नायडू से दोस्ती किए. आप लोग राजशेखर रेड्डी साहब से दोस्ती किए. उसके बाद आप लोग किरण कुमार रेड्डी से दोस्ती किए, दुश्मनी किए. उसके बाद KCR से भी दोस्ती किए. नादेनला भास्कराव से लेकर जिस दिन नादेनला भास्कराव तेलुगुदेशम पार्टी को तोड़ने के लिए जब कोशिश किए, कौन साथ में थे सर? ये हिस्ट्री है. अगर अकबर साहब नहीं बोले तो हम बोल सकते, हम भी राजनीति में है. किसी के ऊपर इल्जाम लगाना आसान है, मगर जवाब देना जिम्मेदारी से देना पड़ता है. यहाँ पर चर्चा आप किधर किधर कहाँ कहाँ अलायंस किए, हम किधर किधर घूम के आए, ये सब सारे चर्चा करने के लिए नहीं है. यहाँ पर चर्चा है व्हाइट पेपर ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप जो बोलना है तो बोलो. अगर एक दिन चर्चा करना है, KCR साहब ने किधर किधर घूम के आया, कांग्रेस में कब था और नायडू पार्टी में TDP में कब था, फिर कांग्रेस में कब आया, फिर कांग्रेस से अलायंस कब किए, फिर चंद्रबाबू नायडू से अलायंस कब किए, फिर BJP से अलायंस कब किए, फिर खुद का पार्टी कब बनाया, ये सब सारे एक दिन पूरा आप अगर मौका दिए तो कौन कौन कहाँ कहाँ घूम के आए, सबके बारे में चर्चा करने के लिए हम तैयार है. अगर आप कभी मौका दिए.